बेसिकली ये एक एंडिवर है जो संदीप त्रिपाठी सर के द्वारा लिया गया, विच इज इट इज एन एंडिवर टू गिव फ्री एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशन. यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी फ्री में पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, जैसा कि आप सभी को मालूम है. तीन बैचेस का ये कंटिन्यूसली 7 बजे से ये चल रहा है, 7 से 8, 8 से 9, और 9 से 10 का ये तीसरा सेशन है. और मेरे लिए सौभाग्य का बात यह है कि आज सुबह मेरी संदीप सर से बात हो रही थी. बेसिकली संदीप सर मेरे शिक्षक रहे हैं, मैं पटना आकाश इंस्टीट्यूट में सर का छात्र रहा हूँ. 2010 से 11, 10 या 11 के सेशन में सर पटना आकाश इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री के ही रेनॉल्ड फैकल्टी रहे हैं. तब से ही सर सर का आशीर्वाद हमको है. उसके बाद सर देश के कई बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में सर ने अपनी सेवा दी है. सर के कई छात्र हैं जो देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस, कुछ लोगों का माइक अभी भी म्यूट नहीं है, कृपया माइक म्यूट कर लें अन्यथा डिस्टरबेंस आता है बीच में बोलने में. सर के कई छात्र हैं जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंक्लूडिंग सेवरल डिफरेंट IITs, उसमें सर के छात्र पढ़ रहे हैं और कई पढ़ के अभी देश और विदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं. तो सर का एक पॉइंट तो केमिस्ट्री है ही, जहां से सर से मैं भी जुड़ा, और सर का जो दूसरा सबसे जबरदस्त पहलू है वो है एस्ट्रोलॉजी. तो ऐसा ये जो आपको बॉन्डिंग दिख रहा है, ये जो दिख रहा है कि एक सर की जो विद्वता विषयगत अपने रसायन शास्त्र में है, वही विद्वता उनकी ज्योतिष में है, ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे और आप सभी जो जुड़े हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम दिखता है कि जो साइंस को साइंस वाले ही डिकोड करें. क्योंकि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है. आई वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड दैट इट इज अ साइंस, बट यस इट इज अ साइंस. एंड एज आई हैव बीन एसोसिएटेड टू संदीप त्रिपाठी सर फॉर मोर देन अ डिकेड, बींग एज एज अ स्टूडेंट फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट, सो आई नो how much of passion he has towards the science and also the study he does to make to himself more abreast, to make himself more updated however there is a discussion going on astrology. I think sir brings to the best of his knowledge. मतलब मैंने जब मुझे पता चला कुछ वर्षों से, मतलब last lockdown जब हुआ तब सर का जो एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में वो लगभग 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है. उन्होंने 75,000 से अधिक कुंडलियों का एनालिसिस किया है, इन डेप्थ एनालिसिस किया है. तो सर की जो ब्लेंडिंग है मतलब कुंडलियों के प्रति, तो बेसिकली लगभग आज से साल भर, 2 साल अब कह दें, 2020 में लॉकडाउन के समय सर ने अपनी एक वीडियो डाली जिसमें हम लोगों को पता चला कि सर एस्ट्रोलॉजिकल चीजों, मतलब सर की एस्ट्रोलॉजी में की ज्ञान ये है. उन्होंने पंडित के दुबे पद्मश्री एस्ट्रोलॉजी में रत्नेश की डिग्री ले रखी है. तो मैंने सबसे पहले अपनी कुंडली के एनालिसिस सर से करवाई. बस वैसे ही मैंने पूछा कि सर एक बार मेरा देखिए. तब से जो एक मतलब एक मेरा बॉन्डिंग तो था ही सर से. सर ने जिस तरह से साइंटिफिक तरीके से मेरे कुंडली की एनालिसिस करी, सर ने जो बात कही, कहीं ना कहीं मतलब वो मेरे जीवन को एक दिशा दे गया. इससे पहले कहीं ना कहीं जीवन में दिशा की कमी थी, और मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में अगर समय पर मतलब कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली की एनालिसिस करते हैं तो आपके जीवन को एक दिशा मिल जाती है. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक निश्चित तौर पर एस्ट्रोलॉजी एक भास्ट कंसेप्ट है, और उस भास्ट कंसेप्ट को हर इंसान को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इंसान के लिए समझना ही यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन जब संदीप सर उस चीज को सिंप्लीफाई करके रोजमर्रा की भाषा में हमारे आपके साथ कि हम आप किस चीज को समझ सकते हैं इस तरह से समझाते हैं, तो चीजें मतलब चीजों को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है और चीजें काफी आसान हो जाती है. और आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट सर इज इन माई लाइफ, त्रिपाठी सर इज इन माई लाइफ. एंड आई होप कि ये जो आप लोगों के साथ सेशन होने जा रहा है दैट दैट दिस विल बी अ वंडरफुल सेशन. बिकॉज अगर हम एक्यूरेसी की बात करें या प्रेसिजन की बात करें तो सर चीजों को जो साइंटिफिक ब्लेंड देते हैं, ये ब्लेंड मुझे नहीं दिखता है कि कम ही लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी में देते हैं. और इसके पीछे दो पहलू हैं. एक तो सर विषयगत साइंस के एक शिक्षक हैं, बड़े ही रेनॉन्ड फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के, और दूसरी बात है कि सर का 20 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, तो डिफरेंट एक एक डॉक्टर जिसके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है चीजों का, वो डॉक्टर किसी चीज को जाते ही पकड़ लेता है, दूसरे डॉक्टर उसके लिए 75 आपको जांच लिखते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होता है. तो सर का ये एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त है, और आप लोग जो भी इस सेशन में भाग लेंगे, आप लोग जो सीखेंगे ये चीज, तो आप लोग भी अपने रोजमर्रा जिंदगी में जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि थिंग्स विल बी
बी मच इजी कि आप आज क्या जानते थे और अब आप क्या जान रहे हैं। तो आज सुबह मेरे सर से बात हो रही थी, तो सर ने संजोग मेरी बात हुई तो सर ने बताया कि वो आज आज से एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्री एस्ट्रोलॉजिकल सेशन, जहाँ पर वो बताएंगे। तो मैंने सर से गुजारिश की सर कि मेरा ये सौभाग्य हो गया कि अगर मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिले, तो सर ने मुझे अपने तरफ से ये मौका दिया, इसके लिए मैं सर का आभारी हूँ। और आप सबों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बड़ा ही बेहतर सेशन आप लोगों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि सर इसको बड़ा ही पैशन के साथ सर इस चीज को ले रहे हैं, इज टेकिंग अहेड इट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस पैशन। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और एंड आई थिंक हेलो वो सेशन इज गोइंग टू बी अ जय वेरी वंडरफुल श्री सेशन। ओवर टू कृष्णा। संदीप सर। थैंक यू सर। क्या थैंक यू सुमित। सुमित हमारा स्टूडेंट था 2010 में, तो आज उसने कहा सर हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने कहा वेलकम, क्योंकि एक स्टूडेंट ही रहे टीचर को अच्छी तरह समझ सकता है। तो थैंक यू सुमित इतने अच्छे वर्ड के हैं लिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ, हमेशा रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं किसी फार्मूले को पढ़ता हूं तो एज इट इज उसको नोट नहीं कर लेता हूं, अंटिल एंड अनलेस, यानी जब तक कि मैं कम से कम 40 से 50 कुंडली में उसको ना लगाऊं। और हर बार अगर मुझे रिजल्ट सेम मिलता है, देन मैं उस फार्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूं, क्योंकि वो फार्मूला फिर यूनिवर्सल हो गया। एंड साइंस की भी यही रूल है कि जो एक फार्मूला आ गया, आप हर सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस अगर सेम हैं तो वो फिर चीजें नहीं बदलेंगी, तो वो फार्मूला बार बार लगाएंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट ज्योतिष का भी है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत विश्वास है, क्योंकि मेरा अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि मैं भी दंग हूं, मैं तो किसी व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन ये जो ज्योतिष में जो ये सूत्र दिए, अब बोलो मैं विद्वान हूं, ये मेरी मूर्खता है, ये हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान हुए कि उन्होंने जो यहाँ पर सूत्र दिए वो आज भी उतने ही वैलिड है। इस जबकि सरकमफेरेंस चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर बदल गया, बट वो सूत्र की अपनी सत्यता नहीं बदल पाई। सत्यता किसकी बदली? ना लगाने वाली, यानी कि जो जल्दबाजी में तुरंत तुरंत कहते हैं हम 2 महीने में बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, या जैसे ही कुंडली उठाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, उनकी कितनी बातें सही है कितनी गलत है, क्योंकि कुंडली में तो एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, उसमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगता है। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ मेरा केवल इतना है कि ज्योतिष का अस्तित्व बचा रहे, और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इसको हमें लेके जाना है, पूरे विश्व में इसको लेके जाना है और इसकी सच्चाइयों को बताना है। तो कि भाई ये मुझे ये फार्मूला मिला है इस किताब में, किताब का नाम ये नहीं कि मेरे मन ने कहा है, सूत्र चलते हैं, ज्योतिष में मन नहीं चलता, बहुत वो इंट्यूशन आपका सही हो सकता है कि आपको लग रहा हो, ये आपकी अपनी एक उपलब्धि है, आपके मेडिटेशन के कारण, आपके इतने समर्पण के कारण ये आपके अंदर आ सकती है, लेकिन उसका ज्योतिष से बहुत मतलब नहीं होता। ज्योतिष पूरी तरह से मैथमेटिकल है, पूरी साइंटिफिक है और कैलकुलेटेड है, उसमें इंट्यूशंस नहीं चलते, उसमें सूत्र चलते हैं, उसमें फॉर्मूले चलते हैं। और उस की पढ़ने बुक पढ़ने से आपको पता है बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपको पता है ये बात, बुक पढ़ने से बैंक बैलेंस, ये मैं बताऊंगा। मैं अभी एक बात बताते बताते रुक गया। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी एक प्रेडिक्टिव टूल नहीं है, इट इज नॉट अ टूल ऑफ प्रेडिक्टिव, इट इज नॉट अ प्रेडिक्शन टूल कि आपने फलादेश कर दिया कि आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये होगा, ये प्रेडिक्टिव टूल नहीं है। इट इज द मैनेजमेंट एंड अलाइनमेंट टूल। मैनेजमेंट एंड अलाइनमेंट का मतलब आपको पता है कि जैसे गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर आप गाड़ी के 4 पहियों को अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो वो गाड़ी डगमगाएगी, ऐसे आपकी कुंडली आपको बताएगी कि आपको अपनी लाइफ किस प्रकार से अलाइन करनी है कि आप गाड़ी जैसे भागते चले जाए अपने जीवन में। क्योंकि ज्योतिष में जब आप पैदा हुए तो जो पैदा होने का जो समय था आपका, उस समय में तो जो प्लेनेटरी पोजीशन थी वो तो फिक्स हो गई। अब मान लीजिए किसी का कोई भी, मतलब कोई भी प्लेनेट खराब हो गया और उसकी दशा आ गई, तो क्या उसको खराब रिजल्ट मिलेंगे? क्या ऑब्वियस है, मिलेंगे, लेकिन क्या हम उस खराब रिजल्ट से बच सकते हैं? हाँ, तो क्या होगा भाई, हम उसका जाप करवा ले? ना ना ना,
हम लोग ये बात ही नहीं करेंगे, बता देंगे कि ये कर सकते हैं बट उस पर जाएंगे नहीं। यही मुझे लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस हिला रहा है। हम अपनी लाइफ को अलाइनमेंट कर दें, जैसे एक सिंपल सा रूल, सबको पता है कि आठवां हाउस सबसे ज्यादा खराब होता है कुंडली में, सबको पता है, हाथ उठाए। तो आठवें भाव की में बैठे प्लेनेट की जब दशा आएगी तो बहुत उथल पुथल मचेगी, लेकिन हम लोग उससे भी बच जाएंगे क्योंकि एर्थ हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपने आप को। मान लीजिए किसी कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें एर्थ हाउस की कोई भी दशा आ गई, पता चला उसका बिजनेस हिलने लगा, अब क्या करें? तो जब वो हमारे पास वो कुंडली आएगी और अब आपके पास भी आएगी तो आप कहीं घबराइए नहीं। उसको कहो ना तुम एक काम करो, वो एक ज्योतिषी किताब खरीद लाओ और रोज एक पन्ना पढ़ो, देखो हो गया काम, ये उपाय हो गया, वो उसका एट हाउस बैलेंस हो गया। सिक्स हाउस की दशा, छठे हाउस की दशा आ जाए, आप ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको फीस मिलने लगेगी, फीस बढ़ के मिलेगी। आपसे कोई कुंडली आपको दिखा के गया, पता चला आपको पैसे नहीं दिए उसने, छठे हाउस की दशा आ गई, आपको कहा आपकी फीस कितनी है, तुरंत आपको दे दी। क्या करें ऐसा हो जाए? जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम, अभी किसी से एक बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमारे पे छठे हाउस की दशा चल रही है, मतलब जिम ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि छठा हाउस होता क्या है? रेगुलरिटी का होता है, टाइम टेबल का होता है, एक फिक्स समय में किया गया कार्य होता है। ये है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। यानी आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, हम सवेरे इतने बजे उठेंगे और कुछ नहीं, घर में थोड़ा सा डंबल ले लीजिए, काम करिए, देखिए छठे हाउस की दशा कैसे बल्ले बल्ले आपकी कर दी। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, भाई इतने समय पे हमें उठना है, कब, जब सिक्स हाउस की दशा है, आपको कभी वो प्रॉब्लम ही नहीं करेगी। रोग क्या, जिम जा रहे रोग कैसा होगा? जिम क्यों? छठा हाउस होता है रोग का, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया ना, हम जिम जाएंगे। जिम ज्वाइन करी, अपने टाइम टेबल को फिक्स कर लिया, उसका लॉर्ड सिक्स हाउस में आके बैठ गया। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो कोई भी सर्विस सेक्टर में रहेगा, सर्विस सेक्टर का काम करना स्टार्ट कर दे, सर्विस देने का काम करना कर दे। सर्विस क्या है? आप ज्योतिष कंसल्टेंसी वैसे तो नाइन्थ हाउस है, सर्विस दीजिए, आप ज्योतिष की सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप ओला सुना, आपने उबर सुना, उनका ना 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, वो बैटरी की सेल एंड सर्विस करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सेल एंड सर्विस। 6th हाउस की दशा आ जाए ना तो आप समझ लेना आपको पैसा बहुत आने वाला है। एक बात और बताइए, जिसका 10th हाउस का लॉर्ड ना 6th हाउस में हो, थोड़ा बहुत क्या ले ले, लोन ले ले, लोन किससे ले ले, अरे अपने घर ही वाले से ले लेना बिना इंटरेस्ट के, देखिए 6th हाउस मैनेज हो गया, अलाइनमेंट हो गया। गीता में लिखा कर्म करो, कर्म करने की विधि भी बताए, कर्म कौन सा करो ये ज्योतिष बताएगा, कौन सा कर्म करो ये ज्योतिष बताएगा। आज आपके बच्चे होंगे पढ़ने जा रहे होंगे या किसी एक प्लेटफॉर्म पे होंगे कि ऐसी कंडीशन पर बैठे हैं कि भाई उनको अपना करियर डिसीजन लेना है, उनको पता नहीं कि आपको भी नहीं पता, आप भी तो गार्जियन है, कुंडली उठा के देखो ना उसको क्या करना है। जब तक आप ना अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे ना, तब तक आप चेंज ही करते रहेंगे बार बार, वो बार बार हर दशा आपको चेंज करा रही है, क्योंकि वो कह रही कि तुम यार कुंडली आपसे कह रही कि भैया तुम यार कुंडली वाला काम करो ना, तुम देखो सेट हो जाओ, बट हकीकत क्या, हमको पता ही नहीं कि कौन सा वो काम करो। वैदिक ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष ये वेदों से आई है, वेदों से। एक्चुअली इसमें कालखंड डिवाइड हुए हैं, तो पहला कालखंड आता है वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल का टाइम होगा 24,000 से 8350 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 24,000 साल पहले। आज ईसा के जन्म के कितना हो गया, 2021 में चल रहे हैं, 2021 साल तो इसी हो गए ईसा के जन्म से,
ईसवी आई है वो इसी से आई है ना, ईसा से आई है। ईसा के जन्म के इतने साल हो गए, 2021 साल, कौन सा 22 में हम लोग आप आ गए, 2022 साल हो गए, तो 2022 साल हो गए हम लोग। तो ये ईसा का जन्म नहीं हुआ था, और ईसा के जन्म के ही 2022 साल हो गए, तो उससे 24,000 साल पहले वैदिक काल था। क्यों वैदिक काल था? कहते हैं इस वक्त वेदों की रचना हुई, इस वक्त वेदों की रचना हुई, वेद इस वक्त आए। मेन हम लोग तीन वेद यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। मेन तीन और भी हैं, बट ऋग्वेद, यजुर्वेद और ज्योतिष को अगर हम उठा के देखें तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में हमें ज्योतिष से संबंधित 36 श्लोक मिले, यजुर्वेद में 44 श्लोक मिले। ज्योतिष के श्लोक है ये, बाकी पूरे श्लोक से हमको मतलब नहीं है, ज्योतिष के इतने श्लोक इस किताब से मिले, केवल ज्योतिष के 36 श्लोक ऋग्वेद से, 44 श्लोक यजुर्वेद से, और अथर्वेद से 162 श्लोक मिले पढ़ने के लिए। ये तो, लेकिन वेद तो कहता है कि धरती की उत्पत्ति तो लाखों साल पहले की है, बट साइंस कहता है हमको लाख साल नहीं पता, हम उतना पहुंच ही नहीं पा रहे, हम तो 24,000, यानी साइंस के अकॉर्डिंग जितना वो नाप पाया है वो यही टाइम नाप पाया। तो मैंने जो टाइम लिखा वो साइंस के अकॉर्डिंग लिखा, जिसको साइंस मानता है। इससे पहले का टाइम कहता है यार हमको पता ही नहीं, बट हमारे वेद तो कहते हैं उससे पहले, हम इतना कह रहे हैं कि इसी बात से ये आया है, इससे तो बहुत पहले आया। तो इस बात को ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी साइंस से ऊपर है, क्योंकि साइंस जहां तक नहीं पहुंच पा रहा, हमारे वेद वहां पहुंचे पड़े। तो हमारी चूंकि ज्योतिष के जो श्लोक हैं वो इस इंडिकेट करते हैं कि ज्योतिष की उत्पत्ति वेदों से हुई है, इसीलिए इसको वैदिक काल कहा गया। इसके बाद अब देखिए क्या सही क्या गलत है कि 24,000 साल से पहले समय था कि नहीं था। अगर हम वेद की बात करें तो पक्का था, और अगर साइंस की बात करें तो क्या नहीं, तो भाई इस पे हम लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, अब क्या सही है क्या गलत इस पे मैं जाने। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जितनी भी रिसर्च हुई उसमें ये बात हमको पता चली कि सबसे पुरानी भी वेद ऋग्वेद है, ये तो आप एग्री करते हैं सब, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ज्योतिष के 36 श्लोक मिलने का मतलब हो गया कि ज्योतिष आज का नहीं है, वेदों के समय का है, इसीलिए इसको वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। इसके बाद 8350 से 3000 ईसा पूर्व, 8350 से 3000 ईसा पूर्व में करीब करीब यहां पर 20 ज्योतिष के विद्वान हुए, 20 ज्योतिष के विद्वान हुए 20, जिन्होंने अपने फार्मूले को लिखा एक प्रकार के पेड़ के पत्ते पर, जिसको हम लोग इतने जानते हैं कि वो भोजपत्र है, लेकिन अभी जो भोजपत्र आता है उससे अलग था। अभी तो जो नेपाल के चारों तरफ कोई पेड़ है वहां से उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हम लोग भोजपत्र टाइप कहते हैं, लेकिन वो जो इससे लिखे गए वो कुछ अलग थे, ये अलग थे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 20 ज्योतिष विद्वानों ने बहुत सूत्र दिए, और वो सूत्र आज भी हम लोग उसको यूज करते हैं, और वो 20 ज्योतिष में बोल देता हूँ, सूर्य हो गए, पितामह हो गए, वशिष्ठ हो गए, ये 20 विद्वान में बता रहा हूँ जो इस समय आए 8350 से। ये जानना बहुत जरूरी है, जिसको अपना इतिहास नहीं पता उसको उसकी नॉलेज नहीं होगी। तो सूर्य आए, पितामह आए, वशिष्ठ आए, अत्रि आए, पराशर आए, कश्यप आए, नारद आए, मारिच आए, गर्ग आए, लेकिन इनके बारे में जानते हैं, च्यवन ज्योतिष थे, और इनके नाम पे च्यवन प्रास रखा गया, उनके बारे में मुझे नहीं पता। तो च्यवन आए, व्यास आए, यवन आए, भृगु, भृगु संहिता बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, भृगु आए, शौनक आए, बृहस्पति आए और पुलस्ती आए। मैं फिर से बोल देता हूँ, सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मारिच, मनु, अंगीरा, लोमेश, पॉलिश, च्यवन, व्यास,
भृगु शौनक बृहस्पति और पुलस्त, ये 20 ज्योतिष आए जिन्होंने ज्योतिष पे बहुत ज्यादा काम किया। इसके बाद का जो समय आया वो आया पराशरी काल। पराशरी काल है, पराशरी काल तीन हजार से 52 ईसा पूर्व तक रहा है, यानी ईसा के जन्म से 52 साल पहले से 3000 साल, यानी 3000 से 52 साल पहले ईसा पूर्व, ये जो है पराशरी काल। इसमें देखिए पराशर संहिता, पराशर आप जानते होंगे हमारी जो मेन ज्योतिष है वो पराशरी ज्योतिष, जिसमें बेस्ड है पराशरी ज्योतिष, क्यों अभी हम बात करेंगे उसमें। तो पराशर कोई एक व्यक्ति नहीं थे, पराशर एक समुदाय था। जैसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी चालू करी, इतने हमारे भाई बंधु जुड़ गए हैं जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी में से कोई भाई बंधु तो पराशर है, पराशर एक समुदाय बना। पराशर में एक व्यक्ति इतने साल तक थोड़े ना कोई जीवित रहे, आए हैं तो जाना तो है ही। तो पराशर एक समुदाय बन गया। जैसे मैं बात करते एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने बनाया, इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे लोग जुड़ गए और जुड़ते जुड़ते अब इसमें से बहुत आगे निकल गए, तो वो इसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये नाम बन गया। तो ऐसे पराशर के समय का ऐसा, मैं समझाने की केवल बात कर रहा हूं, आप लोग उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो ऐसे पराशर के समय बहुत सारे इसमें विद्वान पुरुष हुए और उन विद्वान पुरुषों ने क्या किया कि यहाँ पे बहुत रिसर्च हुई। इन्हीं के समय थे कौन, जैमिनी। जैमिनी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैमिनी सूत्र पराशरी सूत्र से थोड़ा अलग है। पराशर हुए, जैमिनी हुए, गर्भ हुए, सत्याचार हुए, इनमें सबसे ज्यादा नाम तो इन्हीं का ही आया जैमिनी सूत्र में। कुछ तो फार्मूले जो जैमिनी से सॉल्व होंगे मैं वहां बात करूंगा। आत्मकारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह, स्त्री कारक ग्रह, दारा कारक जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये सब उन्हीं इन्होंने निकाले। इन्होंने डिग्री के ऊपर बात करी तो ये सब अच्छा। जैमिनी सूत्र तभी आप समझ पाएंगे जब पराशर सूत्र समझ पाएंगे। भले आप समझिए आख ये दोनों समकालीन थे, एक ही समय थे, इसलिए जैमिनी पराशर से अलग में वे और पराशर की बात को जैमिनी की बात को पराशर ने भी माना, कई जगह माना है और कई जगह जैमिनी ने पराशर की बात को माना है। दोनों एक दूसरे का ही रूप है। तो इसी समय यहां पर आए और इसी समय पुस्तक थी। उसके बाद जो हमारा टाइम आया वाराह मिहिर काल है। वाराह मिहिर काल ये क्या है, 52 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा के जन्म से 52 साल पहले से लेकर के 1900 तक, 1800 की मतलब 57 1859 1899 तक, तो 1900 से चला ना, तो 1900 तक यही समय चला। इसको हम लोग गोल्डन टाइम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी का। गोल्डन टाइम है ये एस्ट्रोलॉजी का। इसी वक्त बहुत सारे लोग हमारी ज्योतिष विद्या देश से विदेश में गई। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, देश से विदेश में गई और विदेश की विद्या देश में आई, यानी हम लोगों ने आदान प्रदान किया। आपने अभी मैंने बताया होगा, कभी सुना है कि जैसे डॉक्टर एक दूसरे को कंसल्ट कर लेते, मैंने बोला होगा अभी ज्योतिष कभी एक दूसरे ज्योतिष से कंसर्न करता है कि यार ये कुंडली मुझे समझ नहीं आ रही, जरा बताओ कि इसमें क्या पेचीदा है। नहीं, उसका ईगो हट कर जाता है। ये पढ़ने और लिखने वाली चीज, इसमें ईगो कहां से आ जाता है। कभी आपने नहीं सुना कि एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष से बात करता होगा कि भाई ये हमारी कुंडली हमको नहीं समझ में आ रही, जरा आप बता दीजिए ना। यहाँ ईगो प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन हमारे मुनि और ऋषियों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। आपको बताएं, आप प्रैक्टिस करते होंगे तो प्रश्न शास्त्र में अगर आप आते हैं तो इत्थशाल और इशराफ योग है। इत्थशाल और इशराफ योग, इत्थशाल इशराफ आपको समझ में आ रहा है कि उर्दू वर्ड है। अब उर्दू वर्ड है कि फारसी वर्ड है ये तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन ये तो कंफर्म हो रहा है कि हिंदू टर्म वर्ड तो नहीं है। ये कहां से आया, ये यहीं से आया, क्योंकि जब मुगल शासक का समय आया, मुगल के समय, ये बाबर के समय, अकबर के दरबार में, बाबर जो अकबर थे तो अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुए अब्दुल रहीम खाने खाना। इनकी 6 बुक है एस्ट्रोलॉजी में, एक भी बुक नहीं है यहाँ पर। जो हम लोग बहुत कहते हैं ना कि
ये हम नहीं, पूरा विश्व ज्योतिष पे काम किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब सभी लोगों ने अपने अपने इसमें काम किए। और चाइनीज फेंग शुई जो आप समझते हैं, वास्तु शास्त्र इंडियन है, बट जो फेंग शुई है वो तो पूरा का पूरा चाइना बेस्ड है। जो आप प्रश्न शास्त्र की बात करते हैं, तो प्रश्न शास्त्र में अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक इसमें ये भी चीज इन्वॉल्व है कि आए लोग और आधा। जो आप जैसे वर्षफल की अगर आप बात करें, वर्षफल तो वर्षफल जो आया है वो हमारी देन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको सीखा वर्षफल बनाना। वर्षफल निकालते हो या तो वर्षफल वैदिक ज्योतिष का तो पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली बाहर से हमारे पास आया है। तो आदान प्रदान हुआ, ये गोल्डन टाइम था ज्योतिष का, ये गोल्डन टाइम था ज्योतिष का हमारे। इसके बाद का जो समय आया, इसके बाद का जो समय आया वह आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल 1900 से अब तक चल रहा है। और वाराह मिहिर काल के बाद तो हम लोग ज्योतिष में बहुत आगे बढ़े और आधुनिक काल में ज्योतिष को बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। यहां ज्योतिष का नामो निशान मिट गया। आधुनिक काल हम लोग इसी साल को देख रहे हैं, इसमें ज्योतिष की क्या स्थिति है वो आप समझते हैं। ये है आधुनिक काल। इसमें 1964 के बाद की जितनी बुक हैं उसमें एक नया योग आया है, काल सर्प योग। वाराह मिहिर काल तक ऐसा कोई भी, वाराह मिहिर तक काल की जितनी भी बुक है, आप पराशर उठाइए, सत्याचार की बुक उठाइए, घर की बुक उठाइए, है ना, लघु पराशर उठाइए, बृहद पराशर, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसमें कहीं काल सर्प योग नहीं बताया। 1964 के बाद एक राजस्थान के बहुत ज्योतिष शिरोमणि हुए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म से, उन्होंने ये नया एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। और तो उसके बाद काल सर्प योग मतलब कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, बीमार पड़ जाओ, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है, इसी कारण तुम बीमार हो रही। ऐसा कोई योग है ही नहीं। आप अगर उठा के बात को समझे, मतलब कुछ भी हो जाए, आप चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है, इसी कारण लो तुम काल सर्प शांति कराओ, वहां त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, वहां काल सर्प शांति करेगा। ये योग आप किस पुरानी बुक में उठा के पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ी है, हमको दिखाओ किस। ये 1964 की बात की घटना है। ये ऐसे ऐसे योग यहाँ पर बने हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं। जय बात करेंगे हम, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये बात करेंगे, और क्यों लगाया गया, क्या सत्यता इसके हम पटाएंगे आपको। उसके बाद में उसके डिविजन कर दिए गए 12 पार्ट में, ज्योतिष होते हो काल सर्प योग होते हैं। तो ये सब ये आधुनिक काल का समय जो रहा वो बर्बादी का समय रहा, लेकिन अगर हम लोग उसको उठा लें तो अच्छी बात। तो आगे देखिए, अब हमको ये देखना है कि जो वेद हैं, वेद वेद के 6 अंग होते हैं, वेद के 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहला अंग है शिक्षा, शिक्षा शास्त्र आपने सुना होगा, शिक्षा, छंद, व्याकरण, चौथा चौथा यहां पर आता है निरुक्ति। निरुक्त जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने पता है, जो आचार से कुछ लोग यहाँ विद्वान बैठे हुए, आचार से किया उन्होंने, शास्त्री किया उन्होंने, पढ़ा होगा। निरुक्त है, कल्प है पांचवा, और छठा है ज्योतिष। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट, यानी इसीलिए इसको वैदिक ज्योतिष कहा गया, क्योंकि ये वेदों से आया है, वेदों से। तो शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 चीज हो गई यहाँ। अब ज्योतिष की शाखाएं इसमें निकल के आई, ज्योतिष की शाखाएं, ज्योतिष की कौन कौन सी शाखाएं जो हमको पढ़ना है, तो सबसे पहला आपका आता है गणितीय शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र जिसको बोलते हैं, या खगोल शास्त्र इसी को बोलते हैं, और गणितीय शास्त्र इसी को बोलते हैं, सिद्धांत शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र इसी का दूसरा नाम है, गणितीय शास्त्र इसी का दूसरा नाम है, खगोल शास्त्र यही है, खगोल शास्त्र। दूसरा शास्त्र इसके अंदर क्या है,
इसके भी बताते हैं क्या, पहले हम इसको लिख लें। दूसरा हमारा आता फलित शास्त्र, इसी को हम लोग होरा शास्त्र भी कहते हैं, फलित फलित शास्त्र अथवा होरा शास्त्र। तीसरा हमारा आएगा संहिता शास्त्र, संहिता शास्त्र, इसी को मैदनी शास्त्र भी कहते हैं, मैदनी शास्त्र, मेदनी बोलते हैं या मैदनी बोलते हैं, दोनों ही तरह चलता है, मेदनी हम लिख रहे हैं, मैदनी भी आपने सुना होगा, मेदनी शास्त्र। चौथा हमारा आता है शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र, ये हम जो बात करें ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष की शाखाओं की बात कर रहे हैं, शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र के बाद मुहूर्त शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र के बाद हमारा आ जाता है प्रश्न शास्त्र। अब देखिए समझिए यहां पर क्या है, ये वाला जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं सिद्धांत शास्त्र अथवा गणितीय शास्त्र, ये ज्योतिष की गणित है, इसकी जगह आजकल सॉफ्टवेयर ने ले रखी है, सॉफ्टवेयर ने, हमें इस पे दिमाग लगाने नहीं, सॉफ्टवेयर अच्छी कैलकुलेशन करके दे रहा है, मैं दो चार सॉफ्टवेयर बता देता हूँ आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री के हैं सब, जगन्नाथ होरा, जे होरा के नाम से बड़ा फेमस है, फ्री, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मिलेगी। दूसरा अपने सिस्टम में लग सकते पराशर लाइट, पराशर लाइट बोलते हैं इसको, पराशर लाइट, ये आपको किसी भी कंप्यूटर की शॉप पे जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो आपसे 30 या 40 या 50 या आपकी सेटिंग है तो वो आपको फ्री में ही दे देंगे, पराशर लाइट, अच्छा ये हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं, यानी हम गणित के पार्ट से बच गए। दूसरा जो हमारा है ये फलित शास्त्र अथवा होरा शास्त्र, इसी पे हमको फोकस करना है, फलादेश जिसमें किया जाता है कि क्या घटनाएं घटेंगी, यही हम लोग का मेन पार्ट है। देखिए जितने भी फलित शास्त्र में बुक आते हैं उनका होरा शास्त्र भी नाम होता है, ये होरा शास्त्र हुआ। संहिता शास्त्र अथवा मेदिनी शास्त्र क्या होता है कि इसमें हम लोग बताते हैं कि कब पानी बरसेगा, कब ओला गिरेगा, कब भूकंप आएगा, कब देश विदेश में लड़ाई होगी, कब देशों की स्थितियां कैसी होंगी, उनके आपसी संबंध कैसे होंगे हमारे पड़ोसी देशों के साथ, ये मेदिनी ज्योतिष का पार्ट है, ये मेदिनी ज्योतिष का पार्ट है। इसी में जो आज हम लोग सैटेलाइट के थ्रू वेदर कास्ट करते हैं, तो पहले के हमारे जो ऋषि मुनि थे वो यही यूज करते थे, मैदनी शास्त्र यूज करते थे। मेरी बिल्कुल इसमें पकड़ नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई अच्छे टीचर नहीं मिल पाए इसको समझाने के लिए, तो इसमें मैं असमर्थ हूँ, मैदनी शास्त्र में ये हम नहीं पढ़ा पाएंगे। शकुन शास्त्र ये तो आप जानते ही, शकुन ये भी आप पढ़िए, इसमें जो तुलसीदास जी की जो रामायण लिखी गई है वो शकुन के ऊपर बेस्ड है, कि आगे चलते हैं तो कौवा आ जाता है, फिर वो आगे बढ़ी तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये सब शकुन शास्त्र है, कि छिपकली किसी के हाथ में गिर गई, पैर में गिर गई तो उसका क्या असर हुआ, ये भी शास्त्र है, शकुन शास्त्र, जिसको पुराने, जिसको नए जमाने के लोग कहते हैं ये सब बकवास, ये शकुन शास्त्र ज्योतिष का पार्ट है, ये आपको किताबों में मिल जाएगा बट ये हम लोग इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मुहूर्त शास्त्र, कि किस मुहूर्त में कौन सा काम करें, किस मुहूर्त में यात्रा करें, किस मुहूर्त में घर प्रवेश करें, किस मुहूर्त में स्टार्ट करें घर बनाना, ये हम आपको बताएंगे, ये हम आपको पढ़ाएंगे मुहूर्त शास्त्र, उसमें कब क्या काम करना है, कैसे देखना है, कब आप बताइए भाई शादी कब होगी, ये होगा, तो ये मुहूर्त शास्त्र का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न शास्त्र, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, प्रश्न शास्त्र ये वैदिक ज्योतिष के पार्ट हो गए, प्रश्न शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, फलित शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र। सिद्धांत शास्त्र की जरूरत नहीं है, तो हम लोग को मेन पढ़ना है फलित शास्त्र, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, तो ये मेन पढ़ना है, फिर मुहूर्त शास्त्र भी लेंगे और प्रश्न शास्त्र भी लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद आपने सुना होगा सामुद्रिक शास्त्र, ये वैदिक ज्योतिष का पार्ट है, ये लाल किताब का पार्ट अलग है, ये हमारे यहाँ का नहीं, अफगान से आया हुआ है, इसमें यहाँ पंडित जी हुए हैं तो उन्होंने इसको काफी, उसमें आप देखो जो फरमान लिखे हैं, फरमान, तो जो लाल किताब है वो हमारे इंडिया का नहीं है, मतलब भारत का नहीं, इंडिया नहीं, भारत का नहीं है, वो अफगान से हमारे पास आया है और उसमें फरमान लिखे, अच्छा उपाय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहां उपाय की जगह टोटका लिखा हुआ है, टोटका हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं, इंडियन नहीं, भारतीय लैंग्वेज नहीं है,
तो वो लाल किताब है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें हाथ हम लोग देखते हैं कि ये क्या नाम है, चेहरे देख के बता देते हैं कि ये चेहरा ऐसा होगा, फिर इसके अंदर ये करेक्टर होंगे, ये सामुद्रिक शास्त्र की बात होगी। तो ये वैदिक ज्योतिष के अंदर ये सब बातें नहीं आती है। वैदिक ज्योतिष के अंदर ये पार्ट आता है सिद्धांत शास्त्र यानी गणितीय शास्त्र, इसको जरूरत है सॉफ्टवेयर से काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये यही चीज चलेगी, ये मुहूर्त और प्रश्न यानी दो अगर हम देखें ज्योतिष की नजर में, जिसमें आपको कंप्लीट कर देगा फलित शास्त्र और प्रश्न शास्त्र, वो लेके चलेंगे, बाकी मुहूर्त शास्त्र भी आपको हम बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर हम रोक रहे हैं।